नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रेसपा के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव सहित तमाम पदाधिकारी गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बच्चे बलराम के परिजनों से मुलाकात कर उनको संतावना दी। इस मौके पर प्रेसपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से परिजनों की बात कराई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक बच्चों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। आजमगढ़ के पूर्व सांसद और सपा नेता रमाकांत यादव एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों के साथ बैठक की। पत्रकारों को इस बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में चार वर्ण मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है कि पूरा पिछड़ा और दलित समाज शूद्र है। इसलिए हमने इस बैठक में अपने समाज को संवारने, पाखंड से दूर रहने, बच्चों को शिक्षा मंदिर में भेजने, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने, अधिकार पाने के लिए फैसला लिया है। आज हम सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया है, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया है और बताया है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, रामास्वामी पेरियार हैं, नारायणा गुरु हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, महाराज साहू जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, लोहिया जी हैं, तमाम हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया रास्ता, आज हम सब लोगों ने उस रास्ते को चुना। अध्ययन करने के बाद तो हम न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, तो निश्चित रूप से सीधे सीधे साबित होता है कि पूरा पिछड़ा और दलित समाज ये शूद्र है। तमाम लोगों ने, हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम अपने समाज को संवारने के लिए, पाखंड से दूर रहने के लिए और अपने बच्चों को शिक्षा मंदिर में भेजने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, अपना अधिकार छीनने के लिए, अपने पूर्वजों के बजाए हुए रास्ते पर चल करके आज हम सब लोग ये मन बनाएं कि अब हम सभी लोग जब शूद्र हैं, बैकवर्ड दलित के लोग, तो आज हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग अपने नाम के आगे शूद्र लगाएंगे। बदायूं के बिसौली में बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। नगर के लोगों में बिजली और पानी नहीं मिलने से आक्रोश बना हुआ है। वहीं समस्या से परेशान होकर महिलाओं ने बिजली पानी की मांग को लेकर एसडीएम के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर के विभिन्न मोहल्लों में पानी की व्यवस्था चौपट होने का नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही महिलाओं ने आपूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं करने पर आमजन के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने फरुखाबाद के जिला जेल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जेल के एक कैदी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उस बैरक को खाली कराकर सैनिटाइज कराया गया है। वहीं डीएम और एसपी ने जेल का निरीक्षण किया। वो सबसे पहले जेल अस्पताल गए। इस दौरान अस्थमा से पीड़ित बंदी पर डीएम ने विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जेल को बंदियों में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी निर्देश दिया। साथ ही बताया कि जेल में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराई जाएगी। जिला जेल में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो हम लोगों ने दोनों जेलों में इसकी व्यापक समीक्षा की है कि किस तरह जो बाहर से लोग जो कैदी आ रहे हैं कैसे रखा जा रहा है। तो ये निर्देश दिया गया है कि एक दिन में जितने भी कैदी आ रहे हैं उनको 14 दिन उनको अलग रखा जाए। वह अभी मैं उसकी भेजने आवश्यकता नहीं, क्योंकि आइसोलेशन उनके पास है तो आइसोलेशन दो रखेंगे उसको। तो मैंने ये निर्देश दिए, वो भेजने का आवश्यकता नहीं। जिला जेल में हम दो दिन के अंदर सभी कैदियों का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। झांसी की स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला यहां के मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक कोरोना मरीज ने मरने से पहले स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी। इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। वहीं जब इस मामले में सीएमओ डॉक्टर जीके निगम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो पूरे मामले की जाँच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। परेशान हो रहा है, तो दूसरे अस्पतालों से पता दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में सबका दिया गया, यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है। घटना ये हुई है कि उनको वहाँ क्वारंटाइन किया गया, पर उनको वहाँ पर सही जो इलाज मिलना चाहिए मरीज को वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनको आज ये हमारे साथ वो नहीं है, हमारे बीच में नहीं। ये भी वीडियो जो आया है, इसके संज्ञान में आया है कि वो मिस्टर संजय गेरा थे, वो वहाँ पर एडमिट थे। उन्होंने बताया कि उनको जो इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उनको दिक्कत थी और वो आज जो एक्सपायर हो गए। हाँ, उनके परिवार में उनकी बेटी है और उनकी मिसेज है, वो दोनों हमारे एलवन फैसिलिटी बरवासागर के अंदर एडमिट है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको किसी तरह कोई सिम्टम नहीं है। एटा के
जैथरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना की जांच पड़ताल शुरू की है तो 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए जो मृत बच्ची के परिवार के ही खानदान के ही लोग हैं। इसमें हत्या की मुख्य वजह जो जानकारी में इन लोगों ने पूछताछ में बताई उसके अनुसार ये एक विनीता नाम की लड़की जो इसके परिवार की थी उसके गांव के एक लड़के से दोस्ती संबंध रहे थे। उसकी चर्चा मृत बच्ची के पिता ने गाँव वालों के सामने की थी जिसको लेके ये परिवार वाले काफ़ी असंतुष्ट थे और बार बार उनसे विवाद भी किए थे। घटना के एक हफ्ता पहले भी इनमें आपस में काफ़ी विवाद हुआ था और फिर गांव वालों के छुड़ाने पे दोनों पक्ष अलग हो गए थे। उस अपमान का बदला लेने के लिए मृत बच्ची के जो चचेरी बहन विनीता इसके 2 चाचा जो आजीवन कारावास की मर्डर में सजा भुगत चुके हैं और इस समय हाईकोर्ट से उनकी अपील लंबित है वो उनके सहयोग से इन्होंने इस बच्ची को कुरकुरे और पापे खिलाने के बहाने पर उनकी दुकान पर अपने बुलाया और घर में पीछे ले जाके चुपचाप अपने दुपट्टे से उसने गला घूम लिया। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके में 2 बाइकों की आमने सामने से भिंडत हो गई। इस हादसे में एक महिला और बच्चा समेत 6 लोग घायल हो गए जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाकी 3 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है जिनमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 में से 2 लोग मृत अवस्था में लाए गए और 1 व्यक्ति जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था गैस्पिंग स्टेज में था उसकी भी मृत्यु हो गई है यहाँ पर ले जाने से पहले ही। तो इस प्रकार से कुल जो मृत्यु हुई है 3 लोगों की हो गई है और 3 जो हल्के फुल्के चुटैल थे या थोड़ा गंभीर थे उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। फरुखाबाद के कायमगंज में पिछले कुछ सालों से सावन के महीने में घेवर और सूत फेनी का कारोबार फल फूल रहा है लेकिन इस बार कोरोना संकट ने स्वादिष्ट घेवर के कारोबार को लॉक कर दिया है जिससे घेवर कारोबारियों को काफी परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि घेवर में लगी लागत तक नहीं निकल पा रही है। पहले लॉकडाउन की वजह से सहालक कैंसिल हो गई और अब सीजन में काम न मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में भी समस्या आ रही है। अब कितना बनाया? पहले बनाया था 4 क्विंटल मैदा, इस बार 1 क्विंटल मैदा लाए, 100 बन जाए तो लॉकडाउन में लग गया वो भी बचेगा। सार गए वो चली नहीं कि तई यहाँ देखा गया वो भी नहीं हुआ। सावन का उसमें लॉकडाउन चल रहा है क्यों बना रहे ज़्यादा तो कहीं लॉकडाउन लग गया तो वो भी रखा रहेगा। बुलंदशहर की अगौता पुलिस ने जगदीश हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। दरअसल बीती 15 जुलाई को पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त गाड़ियां गांव के निवासी के रूप में हुई। वहीं उसके बाद मृतक के बेटे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब पुलिस ने हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ये मामला है जी, जगदीश पंडित जी हम दोस्त थे दोनों जो। अच्छा। जब दोस्त थे तो जो इनसे मैंने 40,000 रुपए लिए जी। 40,000 रुपए लेके इनको हर महीना ब्याज देता था। अच्छा। जब हर महीना ब्याज देता था तो जो मेरी घरवाली जंगल गई। अच्छा। जंगल जाने पे इन्होंने जो बदतमीजी करी मेरी घरवाली के तो जो फिर जो हम आपस में झगड़ा होता रहा जो ऐसा झगड़ा होता रहा तो फिर हमारी घरवाली फिर दी जंगल को। इन्होंने फिर वही कहानी की तो जब वही कहानी की तो ये जो घर पर आए घरवाली ने मेरे को आकर बताई। जब घरवाली ने मेरे को आकर बताई तो मैंने जो हम दोनों जो जगदीश और हम आपस में दोनों ने पी के नहीं है हमें मार पिटाई हुई दोनों में। मार पिटाई होने पे मैंने जो 2-4 चाकू मार के भाग गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मर जाएगा, 2-4 के मर जाएगा। अलीगढ़ के सासनी गेट पुलिस ने अंतर्राज्य गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पकड़े गए अभियुक्तों से करीब 21 किलो गांजा और 1 कार भी बरामद हुई है। इस बात की जानकारी CO प्रथम शुभम पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। फिलहाल सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। कल एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। ये लोग दूसरे राज्य से जैसे कि उड़ीसा से ये लोग गांजे की तस्करी करते थे और वहाँ से लेकर ये लोग अलीगढ़ के रास्ते होते हुए दिल्ली तक इस गांजे की सप्लाई करते थे। तो इस संबंध में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो थाना पुलिस का एक सराहनीय प्रयास है जिससे इनके पास से 20 किलो 780 ग्राम गांजे की रिकवरी हुई है और जिस गाड़ी का इन्होंने प्रयोग किया था विशाखापट्टनम से यहाँ तक जिसमें ये लेके आए थे गांजा वो टाटा टिगोर वो गाड़ी भी बरामद हुई है।